hello students this is mohammad irshad faculty Zoology, clc seeker i welcome you all in the solution session of dailycom major series number 21 held on 8 june 2022 the first question in this questionnaire is that which of the following can be considered as a progestational hormone प्रोजेस्टेशन का मतलब है ऐसा हार्मोन जो जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता हो उनको अपने को सेलेक्ट करना है अब जैसे प्रोलैक्टिन है प्रोलैक्टिन अपन सब जानते हैं ये प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो उस समय मिल्क प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे जेस्टेशन पीरियड के अंदर प्रोलैक्टिन जब काम करता है तो नए ग्राफिन फॉलिकल ओवरी में डेवलप नहीं होते प्रेगनेंसी को मेंटेन करने मैं इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन नहीं करता प्रेगनेंसी को सपोर्ट ये डिलीवरी में पार्चुरेशन में हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रॉन ये तो प्रेगनेंसी हार्मोन के तौर पे ही जाना जाता है रिलैक्सिन ये ओवरी से रिलीज होने वाला एक पेप्टाइड है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट कर देता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पर एक एफएसएच ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता ये तो ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन जो होता है ये दूसरे जो फंक्शंस होते हैं यूट्रस के और दूसरे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स उनको कंट्रोल करने का काम करता है यहां पर जो हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इनिशियल प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम से और लेटर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से सिमिलरली प्लेसेंटा रिलीजेज एच ह्यूमन कोरियोनिक

रासायनिक रूप से एक समान हार्मोन्स का समूह है अब अपने को पता है कि एनसीईआरटी में डिस्क्राइब कर रखा है कि हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं आयोडोथायर हो सकते हैं स्टीरोड हो सकते हैं और इस तरह से तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है बेसिकली कि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है प्रोलैक्टिन एक पेप्टाइड है ग्लूकागोन एक पेप्टाइड है ठीक है केमिकली सिमिलर देखना है एल्डोस्टर एक स्टीरोइड है एड्रेनालिन एक अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है िन ये भी इसी तरह का डेरिवेटिव है, है तो ये हो गया, तो एक से नहीं हुआसोल स्टीर स्टीरॉयडोर एस सी जी ये एक पेप्टाइड है तो यहां पर जो सारे पॉलीपेप्टाइड्स है, है वो है इंसुलिन प्रोलैक्टिन और ग्लुकागोन इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड प्रोलैक्टिन ये भी इसी तरह का है ग्लूकागोन ये भी इसी तरह की नेचर का है बाकी सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस है ये आपको एन सी आर टी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो सारे एक ही कैटेगरी के, के हार्मोन है वो है नंबर वन इंसुलिन प्रोलैक्टिन एंड ग्लूकागोन तो आंसर इज वन सेकेंड है थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ एचसीजी विल रिजल्ट इन अब अपने को पता है कि एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है या जो कोरियोनिक विलाई होती हैं जिसको अपन कहते हैं हैं जो एम्ब्रियो के बाहर बनती उनसे रिलीज होने वाला एक हार्मोन है अब इसका जो रोल होता है वो है दैट इज इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी अब मान लीजिए प्रेगनेंसी को अगर, अगर अपन डिटेक्ट करते हैं तो एचसीजी की प्रेजेंस से प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है अब प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में उस प्रेग्नेंसी को सस्टेन करना उस प्लेसेंटा को बनाए रखना ये सारे जो जिम्मेदारी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड बाय एचसीजी तो एचसीजी अगर नहीं होगा या कम होगा तो क्रिटिनिज्म नहीं होगा क्रिटिनिज्म तो आप जानते हो कि ये तो प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंसी के बाद हाइपोथर की वजह से होता है डॉफिज्म ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है एबोर्शन हो जाएगा एबोर्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं रह पाएगी अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा ऐसा भी नहीं है कि साहब एच की कमी से कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना रह सकता है तो यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री जो कि रीड कर रहा है एबोर्शन प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर एच के लेवल कम हो गए तो इसीलिए कई बार क्या होता है मान लीजिए एक लेडी है उसने कंसीव किया प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई और एच का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा उससे कम हो गया तो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं रहेगी और इसी तरह की कहानी प्रोजेस्ट्रॉन के साथ होती है कि अगर प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स भी कम हुए तो भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती तो ये प्रो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है एच जी इसी कमी से क्या हो सकता है एबोरशन हो सकता है गर्भपात क्वेश्चन नंबर फोर इनकरेक्ट रिगार्डिंग हॉर्मोन हॉर्मोन के कंटेक्सट में कौन सी बात गलत है तो ये अल्प मात्रा में होते हैं आप सब जानते हो उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं हार्मोन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं हार्मोन से के उपापचय से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो ये बात गलत हो गई कौन सा कथन असत्य है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन यील्ड्स एनर्जी नो इट यील्ड एनर्जी तो आंसर है यहाँ पे कौन सा फोर्थ हारमोन ओवलेशन ऐसे हॉर्मोन कौन सा है, है। यानी कि उनकी प्रेजेंस में ओवुलेशन पॉसिबल नहीं होता तो प्रोलेक्टिन जैसे अपन पढ़ते हैं कि साहब प्रोलेक्टिन अगर होगा एक लेटेटिंग मदर में तो क्या करेगा वो नए ग्राफियन फॉलिकल डेवलप नहीं होना देता तो ओवुलेशन नहीं होने देता प्रेगनेंसी नहीं हो सकती जो आप पढ़ते हो लैक्टेशनल एमीनोरिया। लैक्टेशनल एमीनोरिया का मतलब होता है कि जब एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रोलेक्टिन के लेवल ज्यादा होंगे प्रोलेक्टिन के लेवल ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि ओवरी में नए ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हॉल्ट हो जाता है रुक जाता है तो नेचुरल ओवुलेशन नहीं होगा इसी तरह से प्रोजेस्ट्रॉन है ये भी लार्ज प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है ये भी ओवुलेशन को रोक देता है नए ग्राफिन फॉलिकल डेवलप नहीं होने देता तो अपन ने पूछा ये कि हॉर्मोन दैट प्रिवेंट ओवुलेशन आर ऐसे कौन से हॉर्मोन है जो ओवुलेशन को इनिबिट करते हैं रोकते हैं तो प्रोलेक्टिन भी रोकता है प्रोजेस्ट भी रोकता है एफ एस एच ये ओवुलेशन को नहीं रोकता एल एस तो ओवुलेशन कराता है एफ एस एच का ऐसा कोई रोल नहीं है ठीक है यहाँ पे एल लिख दिया प्रोजेस्ट्रॉन तो चलो ठीक है लेकिन एल ओवुलेशन तो को प्रमोट करता है तो ओवुलेशन को रोकने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं ये आपके सामने दिस इज ग्रुप प्रोलेक्टिन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन तो आंसर हो गया इसके अंदर कौन सा बेटा वन ठीक है अब जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, वो कई तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रीड कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन अपन कहते हैं टीएसएच tsh yani ki thyroid stimulating hormone it is also known as thyrotrophic hormone <coughs> tsh it is also called as thyrotropic hormone thyroid stimulating hormone हॉरम इट प्रमोट्स द थाराइड फॉलिकल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ टी थ्री एंड टी फोर ये कहलाता है थायरो ट्रोपिक हॉर्मोन टीआरएस यानी कि थारोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन है बेसिकली टी एस एच रिलीजिंग हार्मोन है टी ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है इट इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस इट इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस टी आर से रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से क्या काम किया इसने इसने काम किया एडीनो हाइपोफाइसिस उसको स्टिमुलेट करता है और एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है बेटा टीएसएस तो ये हार्मोन ये कहलाता है कौन सा हार्मोन थायरोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं डेफिनेशन याद रख लेना आप जो कि दूसरी ग्लैंड को उस पे एक्ट करके उससे हार्मोन्स के सिंथेसिस सेcretion उस ग्लैंड की ग्रोथ ये सारे चीजों को प्रमोट करने वाले होते हैं वो कहलाते है हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स जैसे अपन पढ़ते हैं गोनेडोट्रोपिनस तो गोनेडोट्रोपिनस होते हैं वो जो गोनेट्स पे एक्ट करने वाले हार्मोन ये थायरोट्रोपिक है तो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड पे काम करेंगे ये तो काम कर रहा है हाइपोथैलेमस से रिलीज होके एडिनोएपोफाइसिस पे पिट्यूटरी पे ये डिनोपोफाइसिस से रिलीज होकर किस पे काम कर रहा है थायराइड ग्लैंड पे इसलिए क्या कहलाएगा थायरोट्रोपिन तो दिस इज द राइट आंसर टी थ्री तो ट्राइ है टी फोर टेट्राइडो थायरोनिन जिसको थायरोक्सिन कहते हैं तो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया टी एस एच नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच आर दाइपोथलिक हॉर्मोन लेवल राइजेस ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी अब प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बॉडी के फीमेल बॉडी के प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी के अंदर दूसरे जो हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए उनके लेवल्स भी काफी बढ़ जाते हैं दोगुने तिगुने हो जाते हैं ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली जो होती है वो फीटस की ग्रोथ को भी सपोर्ट करने के लिए होती है ठीक है तो अपन ने पूछा कौन सा हार्मोन ये यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी जो ट्रिक है वो बेसिकली यहीं पे है अपन ने पूछा हाइपोथैलेमिक हार्मोन एसीटीएच तो हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होता ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है टीएसएच ये भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन ये आपको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है सी ये है कॉर्ट्रिकोट्रोपन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये हो गया आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा पता करना था कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन पूछा गया है न कि पिट्यूटरी का हार्मोन तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला न तो ए है न टी है टी है न प्रोजेस्ट्रॉन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन यही है इसका नाम है पूरा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग क्या काम करेगा इटव हाइपोथेलेमस से रिलीज हुआ सबसे पहली बात तो हाइपोथेमस से रिलीज हो रहा है हाइपोथेमस से रिलीज होकर किस पे काम करते हैं हॉर्मोन एडीनो हाइपोफाइसिस पे एक्ट करते हैं अब एडीनो हाइपोफाइसिस जब एक्टिवेट हो जाती है तो इससे रिलीज होता है ए सी टी एच ये एसीटीएच काम करता है किस पे एड्रीनल कॉर्टेक्स इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कॉर्टिस इसके लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं कॉर्टिसोल अपने को पता है एक हाइपर ग्लाइसिमिक हॉर्मोन है तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपकी किताब में लिख रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तो कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ाने के लिए आपको एच का लेवल बढ़ाना पड़ेगा एसी का लेवल बढ़ाने के लिए अपने को क्या रिलीज कराना पड़ेगा सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ये काम करेगा को यहां से रिलीज कराएगा एसी ये काम करेगा एडिनल कॉर्टेक्स पे इससे रिलीज हो जाएगा कॉर्टिसोल वैसे भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे तो कि ये हाइपोथैलेमस से ये भी रिलीज नहीं होता ये भी रिलीज नहीं होता ये भी रिलीज नहीं होता हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है सीआरएच ठीक है तो आंसर है यहां पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीज ऑफ पैराथार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय तो अपने को पता है कि पैराथार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है अब थायराइड ग्लैंड जो होती है ये ग्लैंड हार्मोन जब रिलीज करती है तो कब रिलीज करती है जब प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल फॉल हो जाते हैं तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स कम होने से क्या होता है राइज इन लेवल ऑफ पीटीएच पीटीएच के जो रोल होते हैं वो आपको पता है ये पीटीएच क्या, क्या क्या काम करता है नंबर वन इंक्रीजेस कैल्शियम एब्सॉर्बेशन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट ट्रैक दूसरा इट एक्टिवेट्स विटामिन डी ये इसका रोल है तीसरा जो रोल है इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्ब ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम एब्जॉर्बन के लिए होता है इन सब बातों का ये जो तो तीन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसका इफेक्ट क्या होता है कि पैराथार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करता है इसको कैल्सिटोन इसका एंटागोनिस्ट है कैल्सिटोनिन क्या करता है उसका रोल होता है जो प्लाज्मा में कैल्शियम अवेलेबल है उसको ले जाके वो बोन पे डिपॉजिट करा देता है जिसका अपन बायोलॉजी में कहते हैं इट इज द हॉर्मोन विच प्रमोट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स हड्डियों पे पे बोन्स कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है कैलसीटोनिन ठीक है हाइपोथैलेमस से पैराथार्मोन का कंट्रोल नहीं होता एडीनाइपोफाइसिस से पैराथार्मोन का कंट्रोल नहीं होता तो किससे कंट्रोल हो रहा है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल से प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कम होंगे तो पीटीएच का लेवल राइज होगा पीटीएच का लेवल राइज होगा तो ये तीनों काम हो जाएंगे तो प्लाज्मा में कैल्शियम की के अवेलेबिलिटी बनी रहेगी अपने को पता है कि कैल्शियम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जैसे कि ब्लड की क्लॉटिंग नर्व इंपल्स का कंडक्शन मसल का कॉन्ट्रेक्शन एंड सो मैनी फंक्शन यहां पे आंसर है फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पैराथार्मोन का फंक्शन नहीं है कौन सा ऐसा कार्य नहीं है तो मैंने आपको भी तीन फंक्शन लिख बता के बताए भोजन में उपलब्ध कैल्शियम के अवशोषण वृद्धि करता है बिल्कुल करता है वृत्त नलिकाओं द्वारा कैल्शियम के पुनर्वशोषण को प्रेरित करता है बिल्कुल ठीक है विटामिन डी के एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है बिल्कुल ठीक है ये काम किडनी में होता है ध्यान रख लेना जो थर्ड फंक्शन है ना इसके लिए मैं कह रहा हूं आपसे ये रिएक्शन कहा हो रहा है किडनी के अंदर अस्थियों के लवण जमाव को प्रेरित करना अस्थियों में लवण जमाव को प्रेरित नहीं करता है ये अस्थियों के अंदर से जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको विड्रॉ करके ला सकता है प्लाज्मा में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है तो ये इसका कार्य नहीं है तो आंसर है यहाँ पे अपन ने पूछा है नॉट ए फंक्शन तो पैराथार्मोन का फंक्शन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन का नहीं है ठीक है तो आंसर है यहाँ पे कौन सा फोर्थ ये हो गया फोर्थ आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर टेन वृद्धि हार्मोन प्रमुख शारीरिक वृद्धि कब प्रेरित करता है तो वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन बेसिकली चाइल्डहुड ग्रोथ को प्रमोट करता है बचपन में जब वृद्धि होती है तो वो किसकी वजह से होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां कि जो फीटल ग्रोथ भ्रूणीय वृद्धि प्रमोट होती है आईजीएफ से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स शॉर्टमैक्स को होता है आईजीएफ इसी तरह से दूसरी जो है वो होती है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यकाल में वृद्धि जो अपन ने क्वेश्चन में पूछा है ये करा रहा है ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन और एक होती है प्यूबर्टी में ग्रोथ यानी कि जब उम्र होती है करीब 15-16 साल 17 साल के आसपास तो बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है एडोलिसेंस प्यूबर्टी या एडोलिसेंस के टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो होती है सेक्स स्टीरोड से। अब ये सेक्स सेक्सराइड जो काम करते हैं एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है फीमेल में ये इतना कम से कम आना चाहिए आपको मान लीजिए यहां पे ऑप्शन लिखा होता फीटल लाइफ तो लिख ही रखा है फीटल लाइफ में ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता चाइल्डहुड में ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है ओल्ड एज में ये काम नहीं करता एंटायर लाइफ अपन सोचे कि पूरी जिंदगी भर ग्रोथ करा रहा है तो वो भी नहीं करा था हाँ लाइफ लॉन्ग इसका इतना सा रोल ले जाता है कि बॉडी के अंदर जो डैमेज और उससे होने वाली जो रिपेयरिंग प्रोसेस है जो कोशिकाओं की जो रिसाइकिलिंग है टूट फूट की मरम्मत है उसमें मदद कर देता है लेकिन ग्रोथ नहीं करवाता है तो यहां पर जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर वो है वन चाइल्डहुड ग्रोथ को प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन ठीक है तो आंसर है सेकेंड ओके क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एडिसन रोग होता है तो एडिसन डिजीज बेसिकली थॉमस एडिसन जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी उनके नाम से है ये तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका अपने को पता है कि दो पार्ट होता है बाहर का कॉर्टेक्स होता है इंदर पार्ट वो कहलाता है मेड्यूला तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का इन जनरल हाइपोसिक्रेशन वो है एडिसन डिजीज ठीक है अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे हाइपो सिक्रिएशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। हाइपो सिक्रिएशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। अब इसमें बेसिकली क्या क्या आ गया इसमें आ गया मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स दूसरा आ गया ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स इन दोनों का क्या है बेटा हाइपोसिक्रेशन है और उसका नतीजा होता है एडिसंस डिजीज मेडुला का हाइपोसिक्रेशन कभी नहीं होता हाइपरसिक्रेशन वो दूसरी कौन सी डिजीज हो जाती है

थर्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्रिटिन्स व बोनो में प्रमुख अंतर क्या है तो यहां पर आपने को यह पता होना चाहिए कि जो क्रिटिन्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं वो हो रहे हैं हाइपो सिक्रिएशन ऑफ टी थ्री एंटी फोर कब इन प्रेगनेंसी गर्भावस्था इससे क्या डेवलप हो रहा है क्रिटिंस बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी वो हो सकता है बहरा गूंगा हो उसका मेंटल डेवलपमेंट पूरा रुका रहता है इससे डेवलप होते हैं क्रिटिंस ग्रोथ रुक जाती है अब दूसरा है बॉन है या इंग्लिश में ड्वार्फ तो ये है हाइपोसिक्रिएशन है किसका ग्रोथ हार्मोन ये होता है ड्वार चाइल्डहुड में बचपन में इससे बन जाते हैं है दोनों में सिमिलरिटी क्या है दोनों की हाइट कम होगी क्रिटिंस की हाइट भी कम होगी ड्वार्फ्स की हाइट भी कम होगी लेकिन जो क्रिटिंस होते हैं वो कैसे होते हैं मेंटली जो होते हैं उनका डेवलपमेंट पूरी तरह से रुका होता है ड्वार्फ्स में ऐसा नहीं होता तो अपन यहां पर डिफरेंस है ड्वार्फ्स आर मेंटली मेंटली रिटार्डेड ड्वार्फ वो नहीं होते हैं क्रिटिन्स तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं क्रिटिन्स कैसे होते हैं जिनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है तो पहला नहीं है क्रिटिन्स आर मेंटली रिटार्डेड बिल्कुल सही है वेयर एज ड्वार्फ्स आर नॉट ड्वार्फ मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ड्वार्फ्स जो होते हैं वो मेंटली हो सकते हैं थोड़े से वीक हो लेकिन रिटार्डेड नहीं कहेंगे उनको मानसिक रूप से विमंदित बच्चे जिसको अपन कहते हैं ना वो नहीं होते ड्वार्फ्स थर्ड सेक्स ऑर्गन्स आर अंडर डेवलप्ड इन ड्वार्फ्स बट क्रिटिंस आर नॉर्मल क्रिटिंस के सेक्स ऑर्गन भी नॉर्मल नहीं होते है ना क्रिटिंस का जन्म हाइपोथायराइडिज्म का परिणाम होता है जबकि बोनो का जन्म वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से होता है हाइपो हाइपर सिक्रीशन थोड़ी हो रहा है अगर यहां पे लिखा होता बोनो का जन्म वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से होता है तो तो बात जमती अभी अति स्राव लिख दिया लिख दिया तो वो तो नहीं हो रहा ना तो आंसर क्या है यहाँ पे क्रिटिंस जो होते हैं मानसिक रूप से विमंदित होते हैं जबकि बोने नहीं होते हैं, बौने जो होते हैं उनके शारीरिक वृद्धि रुक जाती है क्रिटिन्स की भी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है दोनों में सिमिलरिटी हो गई समानता हो गई डिफरेंस क्या हुआ कि बोनों के अंदर मानसिक विकास वो अवरुद्ध नहीं माना जाता लेकिन क्रिटिंस के अंदर मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है क्योंकि थायरोक्सिन जो होता है वो न्यूरोनल डेवलपमेंट यानी कि तंत्रिका तंत्र के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है तो वो काम जब नहीं हो पाएगा तो नेचुरल तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया बेटा कौन सा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन जीवन रक्षक हार्मोन्स निर्मित होते हैं Hormones. तो बेटा ये कहां से श्रावित है? हैं है लाइफ सेविंग हार्मोन की कैटेगरी में आता है क्वार्टिस जनता से ऐसा कोई लाइफ सेविंग हार्मोन नहीं आ रहा से, ओवरी से आपको पता है टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोजन ओवरी प्रोड्यूस कर रही है

कि कॉर्टिसोल जो होता है ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को एकदम से प्रमोट कर देता है एंटी इंफ्लामेटरी रोल होता है इसका शोध को कम कर देता है तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा शोध को कम करेगा तो ये कैसा हो गया है लाइफ सेविंग की कैटेगरी में आ जाता है यानी कि कोई मरीज जब इमरजेंसी में पहुंचता है तो अपन उसको स्टीरोइड हार्मोन का इंजेक्शन दे के या टैबलेट दे के उसको अपन रिकवर करा सकते हैं उसकी स्थिति थोड़ी सी उससे सुधर सकती है ये जीवन रक्षक की श्रेणी में आ जाते हैं हार्मोन क्वार्ट का हार्मोन ठीक है तो आंसर है इसके अंदर कौन सा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टू ग्लूको कार्टिकॉइड का कार्य प्रेरित करना है तो ग्लूको अभी अभी अपन ने देखा यह है कॉर्टिकॉइड है ना कोर्टिसोल क्या काम कर रहा है लिपिड्स को ब्रेकडाउन करेगा लिपिड्स का ब्रेकडाउन किया प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किया और जो है ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसको स्टिमुलेट नहीं करता है ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट पर मान लेते हैं फैट्स को तो फैट्स का ब्रेकडाउन उससे क्या बना देता है ग्लूकोज यह प्रोसेस कहलाता है ग्लूको तो आंसर हो गया इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस लिपोलाइसिस एज वेल एज प्रोटियोलाइसिस तो आंसर इसके अंदर सेकेंड ठीक है ग्लाइकोजेनेसिस नहीं करेगा है ना ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट नहीं करता ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पे भी लिख रखा है ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पे भी लिख रखा है ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पे भी लिख रखा है इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते आपको कई तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के अटेम्प्ट करने के जो ट्रिक्स हैं वो पता होनी चाहिए तो यहाँ पर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस वो प्रमोट नहीं कर रहा तो तीनों में लिख रखा है ग्लाइकोजेनेसिस तो ये आंसर हो ही नहीं सकता तो बसता क्या है एक यही वाला ऑप्शन बचता है तो आंसर यही हो गया सेकेंड ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है थ्री एफ फंक्शन तो थ्री एफ का मतलब होता है फियर फाइट एंड फ्लाइट फियर फाइट एंड फ्लाइट ये फियर फ्लाइट फियर फाइट एंड फ्लाइट के जो तीन फंक्शन है इसी की वजह से अपन ने एडिनल ग्लैंड को क्या बोल दिया थ्री एफ ग्लैंड कहलाता है इस पार्ट में कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कॉर्टेक्स जो होता है उससे अपन ने अभी भी देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलो और सेक्स स्टूराइड्स रिलीज होते हैं लेकिन इनका फियर फाइट और फ्लाइट में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता तो फियर फाइट और फ्लाइट में जो रोल होता है वो होता है किसका होता है एड्रिनल मेड्यूला का मेडुला मेड्यूला रिलीज करती है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन दूसरा है नॉर एड्रीनलिन ये दोनों हार्मोन्स एडिनलीन और नॉन एडिनलिन इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहलाते हैं यानी कि बॉडी जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा हार्ट बीट को बढ़ा देगा कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा इस तरह के फंक्शंस होते हैं वो मेडुलरी हार्मोन्स के होते हैं तो इमरजेंसी से डील करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं तो ये पूरी एडिनल ग्लैंड से नहीं आते ये किससे आता है मेडुला से आता है एडिनो एपोफाइसिस तो ऐसा कुछ करता नहीं है एडिनल कॉर्टेक्स से मैंने आपको बता दिया स्टीरोइड्स रिलीज हो रहे हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उनका थ्री एफ फंक्शन नहीं है वो शुगर और साल्ट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट है तो अगर मान लो यहाँ पे थ्री की जगह यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता फोर तो फोर में तो फिर पूरी एडिनल ग्लैंड इन्वॉल्व हो जाएगी

वो इंसान जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो उसमें अंदर आंसर आएगा एडिनल कॉर्टेक्स उसकी वजह क्या है कि एडिनल मेडुला के हॉर्मोन जो है ये दोनों के नाम जिनके मैंने लिखे एडिन और नॉन एडिन ये तो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह ये तो ब्रेन में ही बनते हैं भाई ये दोनों तो ब्रेन में ही बनते हैं तो अगर आप एडिनल को रिमूव भी कर दोगे तो ये तो ब्रेन में बन जाएंगे लेकिन वो जो कॉर्टिसोल है और दूसरा है वो जो एल्डोस्टेरोन है वो ब्रेन में नहीं बनता तो अगर आप बॉडी से पूरी एडिनल को निकाल दोगे तो एड़िनली, एड़िनली का प्रोडक्शन तो फिर भी से है। लेकिन वो एल्डोस्टेरोन बन रहे हैं उनका कहीं से नहीं होगा तो बॉडी का से हो जाएगा। तो उससे नहीं कर सकते तो आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन के तौर अपन हटा दें तो इमीजिएटली जो है उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा तो उसके अंदर आप आंसर दे सकते हो देना उसमें आंसर क्या जाएगा उसमें कॉर्टेक्स जाएगा अगर फोर एस पूछे आपसे तो आप देंगे पूरी ग्लैंड को थ्री एफ पूछा है तो नाम देंगे को। तो आंसर है पे फोर्थ। ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यह है ग्लूको का कार्य प्रेरित करना होता है अच्छा सॉरी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा था फॉलोइंग हार्मोन डेव मेजर इन्फ्लुस निम्न में से किस हार्मोन का अस्थियों पर प्रमुखता से प्रभाव नहीं होता तो अस्थियों पर प्रभाव का मतलब ये होता है या तो बोन पे कैल्शियम को डिपॉजिट करा दे मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को प्रमोट करे या फिर दूसरा काम होता है उस बोन से कैल्शियम को खींच के वापस ले आए और प्लाज्मा अवेलेबल करा दे या कैल्शियम के एब्जॉर्बन में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम का एब्जॉर्बन जो कि विटामिन डी की हेल्प से होता है उसको प्रमोट करें तो बोन्स पे तीनों का इफेक्ट होगा किस किस का इफेक्ट होगा थैरोलिटोनिन या कैल्सीटोनिन का भी होगा ये बोन पे कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रमोट करता है पैराथार्मोन ये बोन से जो है डीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को यानी कि वहां से लवणों के जो हटाने को उसको प्रमोट करता है एंड्रोजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टर जो होता है ये बोन के मिनरलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो प्यूबर्टी आने पर या स्टेज के दौरान जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसके अंदर एंड्रोजेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है तो एंड्रोजन बेसिकली क्या कर रहे हैं एंड्रोजन यही काम कर रहा है जो अपन पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ Bones, तो इसका भी इन्फ्लुएंस है इसका भी इन्फ्लुएंस है का भी इन्फ्लुएंस है इन्फ्लुएंस किसका नहीं है प्रोजेस्टर का नहीं है ये तो प्रोजेस्टेशनल हार्मोन हार्मोन है है प्रेगनेंसी है. इसका अस्थियों पर कैल्शियम जमाव से कोई बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता तो आंसर हो गया यहाँ पे प्रोजेस्टर फोर्थ नेक्स्ट स्टीरोइड प्रवृत्ति के हार्मोन्स का किस समूह का चयन करना है अपने को तो एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड है कोर्टिसोल स्टेरॉइड है लेकिन एचसीजी एक पेप्टाइड होता है ध्यान रखना ये केमिकल नेचर आपको आनी चाहिए भाई एचसीजी क्या है बेटा ये एक पेप्टाइड है एंड्रोजन स्टेरॉइड है ईस्ट्रोजन स्टेरॉइड है कोर्टिसोल है तो अपन ने पूछा ये कि स्टेरॉइड कौन से हैं तो आंसर है इसके अंदर सेकंड फिर भी अगर अपन देखें एचसीजी पेप्टाइड हो गया पेप्टाइड है इस्ट्रोजन स्टीरोड हो गया प्रोजेस्ट्रोन स्टीराइड हो गया लेकिन ये नहीं है तो यहां पर जो सही आंसर है वो है सेकेंड एंड्रोजन इस्ट्रोजन एंड कॉर्टेस्ट ये सारे कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि व्युत्पन्न ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये होते हैं बेटा स्टीरॉइड हार्मोन तो आंसर इसके अंदर सेकंड ठीक है नेक्स्ट मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट असत्य कथन का चयन कीजिए अब असत्य कथन यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा तो आपको यह पता है सार्कोलेमा कहते किसे हैं सार्कोलेमा होती है

दूसरा है रिलीज ऑफ इंसुलिन इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जब ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं मान लीजिए खाना खा लिया नाश्ता कर लिया ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ेंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा इंसुलिन क्या काम करेगा उस ग्लूकोज को अपने ठिकाने पहुंचा देता है वो ये भी ठीक है फिर आता है इंसुलिन इज ए हाइपो ग्लाइको प्रोटीन इन नेचर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता ये पेप्टाइड होता है इट इज पेप्टाइड इन नेचर ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है अब इसको अपन यू नहीं देखें कि साहब एनसीआरटी में क्या है कैसे है किस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रिक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये पता है कि गलत क्या है

फिर चौथा इंसुलिन अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन एडिपोसाइट एंड एनसीईआरटी की लाइन है आपकी फोर्थ तो गलत ढूंढना है तो गलत यही हो गया फिर ये कैसा है ग्लाइको नहीं है ये पेप्टाइड हार्मोन है ठीक है तो आंसर हो गया इसके अंदर थ्री क्वेश्चन नंबर 19. निम्न में से किस हार्मोन का हाइपर ग्लाइसिमिक प्रभाव नहीं होता हाइपरग्लाइसिमिक का मतलब ब्लड शुगर के लेवल्स को इंक्रीज कर देना इसको आप समझ लो कि इंसुलिन ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है तो ये कैसा हो गया हाइपो ग्लाइसेमिक ठीक है कोर्टिसोल ये शुगर के लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागोन ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है या या इमरजेंसी आने पर ब्लड लेवल को करता है तो ये सब हाइपर ग्लाइसिमिक है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं हाइपर ग्लाइसिमिक ग्लूकागोन भी हाइपर ग्लाइसिमिक क्वारिसोल भी हाइपर ग्लाइसिमिक एपिनेफरिन भी हाइपर ग्लाइसिमिक लेकिन इंसुलिन कैसा है ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है तो अपन ने यही पूछा है निम्न में से किस हार्मोन का हाइपरग्लाइसिमिक प्रभाव नहीं होता तो इंसुलिन का नहीं होता तो आंसर है वन इंसुलिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गर्भावस्था के प्रथम त्रिमाही में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है का प्रोडक्शन में हेल्प करता है करता है तो यहां पे जो एस होता है ना सॉरी एस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपेन ये किस पे काम कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम इसको एक्टिवेट करके फर्स्ट टिमा की बात हो रही प्रथम तिमाही क्या बनवाएगा इससे प्रोजेस्ट्रॉन एस का फंक्शन क्या है इट स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय कर देगा और क्या बनवाएगा प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन ये आप सबको पता है प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है गर्भावस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी होता है गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आपको भी चाहिए, एचसीजी भी चाहिए ईस्ट्रोजन भी चाहिए होते हैं तो बेसिकली यहां पे अपने को जो पूछा गया है वो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पूछा गया तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने की जिम्मेदारी एच की होती है एफ आपको पता है कि ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए ऐसा कोई उसका स्पेसिफिक रोल नहीं है तो यहां पर रोल किसका आ जाता है ह्यूमन कोरियोनिक तो आंसर है सेकेंड नेक्स्ट है फॉलोइंग नॉट ए प्रोजेस्ट्रॉन निम्न में से प्रोजेस्ट्रॉन का कार्य नहीं है तो में का विकास करता है, है वृद्धि करता है अंडोत्सर का प्रेरण है ये नहीं करता ये को सप्रेस कर देता है एंडोमिट्रियम को श्रावी बनाता है बिल्कुल ठीक है तो यहां पर अपन ने पूछा है क्या चीज फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टो प्रोजेस्ट का कार्य नहीं है तो ये अंडोस्र का प्रेरणा कार्य नहीं है तो आंसर हो गया थ्री अदरवाइज एंडोमेट्रियम को सिक्रिटरी बना देता है प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में उस सब सारे काम कर रहा है लेकिन यह काम नहीं कर रहा प्रोजेस्ट ओवलिएशन को प्रमोट नहीं करता ओवलिएशन को रोक देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस में कैसे पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं वो जो ना न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आपको ये एनसीआर वाला जो डायग्राम है जैसे अपन ने बनाया ये इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है तो यहां पर

किसके थ्रू सॉरी हार्मोन्स दे आर रिलीज बाय एक्सॉन्स ऑफ हाइपोथेलमिक न्यूरॉन्स दमनी द्वारा नहीं आ रहे

ऑक्सीटोसिन का प्रमुख कार्य है ऑक्सीटोसिन का प्रमुख कार्य क्या है ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क सिंथेसिस ये प्रोलैक्टिन का फंक्शन है देखो बड़ा ध्यान से करा करो क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पे जल्दबाजी में गलत हो सकता है ये काम किसका बेटा मिल्क सिंथेसिस ये काम है प्रोलैक्टिन का स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन कराता है ऑफ स्मूथ इसका फंक्शन है। स्तन ग्रंथियों का विकास उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं होता प्रमोट कॉन्ट्रेक्शन में संकुचन नहीं करेगा यह प्रमोट करता है मायोमेट्रियम में संकुचन एंडोमेट्रियम में संकुचन नहीं होता कभी भी ध्यान रख लेना डेवलपमेंट ऑफ मेमोरिक्लैंड का फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन इस काम में मदद कर देता है ठीक है लेकिन ऑक्सीटोसिन का रोल पूछा है तो ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन चिकनी मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करने में सक्षम होता है तो आंसर है इसके अंदर सेकेंड नेक्स्ट स्तंभ एक तथा स्तंभ दो के सही मिलान का विकल्प चुनिए तो स्तंभ एक अब अपने पास में एक तरफ लिख रखे हैं हार्मोन्स एक तरफ लिख रखे हैं उनकी केमिकल नेचर रासायनिक प्रवृत्ति ठीक है तो ये जो रासायनिक प्रवृत्ति है एल एच ईस्ट्रोजन इंसुलिन और नॉरेडिन तो अपने को ये पता है कि इंसुलिन एक पेप्टाइड है नॉरेडिनलिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है ईस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है और एलएच एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा इजीली हो सकता है कईयों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो पेप्टाइड हार्मोन एलएच और इंसुलिन एलएच कैसा है ग्लाइकोप्रोटीन होता है पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स जैसे कि एफएसएच एलएच ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन नेचर के होते हैं जन ये सबको पता है तो यहां पर अपने को देखना है जो एल एच है एक तो वन का तो हो गया ए ठीक है सेकंड है ईस्ट्रोजन इसका हो गया सी ये सी यहां पे लिख रखा है फिर इंसुलिन ये पेप्टाइड डी यहां लिख रखा है नॉर एडिलोड का डेरिवेटिव बी यहां लिख रखा है तो आंसर हो गया इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज सेकंड एलएच एक ग्लाइकोप्रोटीन इस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न इंसुलिन एक पेप्टाइड नॉरेडिनलिन एक अमीनो एसिड का डेरिवेट तो आंसर है सेकंड क्वेश्चन नंबर 25 कीटोन्यूरिया तथा ग्लाइकोसुरिया ये ऐसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है उपापचे हैं जो कि देखी जाती हैं डायबिटीज डायबिटीज में के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी एक बड़ी वजह उसकी मानी जाती है अब जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा द सेल्स दे स्टार सेल्स तक एनर्जी जो का सोर्स है ग्लूकोज वो नहीं पहुंच पाएगा इंसुलिन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है तो अगर सेल्स तक इंसुलिन नहीं सॉरी इंसुलिन नहीं पहुंचा तो ग्लूकोज भी नहीं पहुंचा अब ग्लूकोज नहीं पहुंचा तो सेल तो भूखी मरेंगी सेल का एनर्जी प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो क्या डेवलपमेंट वो रॉन्ग डेवलपमेंट होता है फिर रॉन्ग डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो फैट्स हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है फैट्स के ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिटाइल ए बनेगा वो एसीटाइल को जो होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसको क्रेप साइकिल में काम में नहीं ले पाता तो क्रेप साइकिल में जब एसिटाइल को यूज नहीं हो पाता तो उससे फिर एबनॉर्मल बन जाते हैं जिनको अपन कलेक्टिवली बोलते हैं कीटोन बॉडीज तो कीटोन बॉडीज बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं हार्मफुल होती है, होती है। तो ये डायबिटीज मेलाइट की निशानी होती है कीटोन यूरिया कीटोन यूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन ग्लाइकोसुरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कीटोन बॉडीज और एक है ग्लूकोज ये दोनों किसमें उपस्थित होते हैं पेशाब में इन यूरिन ये किस कंडीशन में हो रहा है ये हो डायबिटीज मेलेट ड्वार्फिज्म में ऐसा कभी नहीं होगा पैराथायर टिटनी में तो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसमें पेन होता है है ना डायबिटीज इंसिपिडस में ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच की डेफिशिएंसी से बॉडी से पानी का लॉस होता है तो कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया ये बेसिकली हाइपोसिक्रेशन है किसका इंसुलिन का ऐसा होने से क्या हुआ इंक्रीज इन ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे और सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि इंसुलिन की कमी है तो ये एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है फैट का जिससे बनती है कीटोन बॉडीज तो ब्लड में बढ़ जाती हैं तो कीटोनमिया कहलाता है यूरिन में आ जाती हैं तो कीटोनुरिया कहलाता है इसी तरह से ग्लूकोज के यूरिन में प्रेजेंस नहीं होती यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं होती लेकिन अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया ये भी डायबिटीज की निशानी होती है डायबिटीज मेलाइटिस की निशानी होती है तो यहां पर आंसर है वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कशेरुकी में चौबीस घंटे की दिन व रात की लय किसके द्वारा बनाई रखी जाती है तो अपने पास में ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है बेटा कौन सी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड तो ये जो पीनियल ग्लैंड होती है कौन सी ग्लैंड पीनियल ये प्रोड्यूस करती है पेप्टाइड जिसका नाम है मेलेटोनिन ये तय करता है 24 घंटे की दिन और रात की लय

डेएन नाइट रिदम या सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट्स बोथ एज ए हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है तो यहां पर वासोप्रेसिन सिर्फ हार्मोन ग्लाइसिन कई जगह पे जैसे आईज के अंदर और भी कई जगह न्यूरो की तरह काम करने वाला अमीनो एसिड है ठीक है ना एसिटाइल कोलिन सिर्फ न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लाइसिन न्यूरो ट्रांसमीटर विद अमीनो एसिड है सिर्फ एक हार्मोन है नॉरेडिनलिन दोनों काम कर सकता है ये हार्मोन की तरह भी काम करता है ये न्यूरो की तरह भी काम करता है आप सब पढ़ते हैं कि एडिनल ग्लैंड जो होती है उसका मेडुलर पार्ट है वो नॉरेडिन बना रहा है

प्योरली न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरेडिनलिन ये दोनों काम कर सकता है न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है और एक हार्मोन का भी काम कर सकता है तो आंसर है इसके अंदर कौन सा नंबर थ्री नॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट गोनेडोट्रोफिन्स में सम्मिलित है गोनेडोट्रोफिन्स ऐसे हार्मोन्स जो कि जो गोनेड से रिलेटेड हैं गोनेड से गोनेट्स पे एक्ट करने वाले हार्मोन्स हैं तो यहां पे इनके नाम आपको पूरे पता हैं सबको? है सबको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह एफ एस एच ठीक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह है एल एच एफ एस एच एल एच और एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एच सी है तो ये भी गोनेट ये भी गोनेट ये भी गोनेट तो ये गोनेट तीन हो गए एफ एस एच एल एच और एच सी जी आंसर है इसके अंदर थ्री नेक्स्ट ये ट्वेंटी नाइन विच आर द फॉलोइंग एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कैल्शियम से कौन से पदार्थ कैल्शियम समय स्थिति सक, में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो पैराथार्मोन पीटीएच अपन काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है थायरोलिटोनिन या कैलसीटोनिन ये भी प्ले करता है विटामिन डी ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है टेस्टोस्टेरोन मैंने अभी बताया आपको ये बोन्स पे कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है और बोन्स की ग्रोथ में बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहाँ पर जो सेट ऑफ हॉर्मोन्स है आपको वो सेलेक्ट करना है बेसिकली तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है थाइरोल्सिटोनिन विटामिन डी एज वेल एज टेस्टोटोन सब कर रहे हैं है ना कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर कॉर्टिसोल का कोई रोल नहीं होता एल्डोस्ट्रोन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता थाइरोल्सिटोनिन करता है पैराथॉर्मोन करता है लेकिन ये एल्डोस्ट्रोन का नहीं है पैराथार्मोन कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन का नहीं है तो यहाँ पर ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एक, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहाँ पर पैराथार्मोन है पीटीएच है थैरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन ठीक है तो आंसर है वन क्वेश्चन नंबर थर्टी मेडुला से तनाव की स्थिति में मुक्त होता है बिल्कुल ठीक बात है निम्न में से कौन सा इसका लक्षण नहीं हो सकता तो एडलिन के फंक्शन आने चाहिए आपको का जो फंक्शन होता होता है है वो क्या होता है? ये यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित होने से रक्त ग्लूकोज को बढ़ा देना बिल्कुल सही है एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट हृदय की धड़कन हार्ट बीट भी बढ़ा देगा और जो सिस्टोल है उसके फोर्स उसको भी इंक्रीज कर देगा अपन ने पूछा कैन नॉट बी कैन नॉट बी का मतलब है जो इसका काम नहीं है समझ पा रहे हैं आप इसका कैन नॉट बी इसका लक्षण नहीं हो सकता ये नहीं पे जाना है आपको तो ये तो हो सकता है ये भी हो सकता है ठीक है अब ये इंक्रीज ब्रेकडाउन और लिपिड बिल्कुल है ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस तो पेशियों, कर पेशियों की स्केलेटल मसल्स की मांसपेशियों को शीतलित कर देगा तो क्या होगा वहां पे ब्लड फ्लो रक्त प्रवाह इंक्रीज हो जाएगा तो ऊर्जा उत्पादन वो आसानी से हो जाएगा जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी और उससे ग्लूकोज भी जल्दी जल्दी टिश्यूज तक पहुंचेगा जिससे उपापचय की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है अगर यहां पे लिखा रहता डायलेशन तो ये ठीक था लेकिन ये गलत है संकुचन नहीं है यहां पर क्या फंक्शन है तो आंसर है फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न है हार्मोन क्रिया की स्वीकृत धारणा के अनुसार यदि अंगों से ग्राही अणु को हटा दिया जाए तो लक्ष्य अंगों में क्या होगा भाई सीधी सी बात है आप हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ के काम करता है आपने रिसेप्टर ही हटा दिए हार्मोन काम नहीं करेगा हार्मोन काम नहीं करेगा तो हार्मोन का प्रभाव नहीं होगा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये इसके अंदर हॉर्मोन का प्रभाव नहीं होगा ठीक है यहां पर आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन लक्ष्य कोशिका की झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं और अंत्य कोशिकी यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट जो ग्राही होते हैं उनसे रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं तो अपने को पता है कि सब जो हार्मोन सेल के अंदर प्रवेश करते हैं वो होते हैं या तो स्टीरोइड या दूसरे शब्दों में कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न या फिर करते हैं थायरो ये सेल के अंदर प्रवेश रिसेप्टर हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है वो रिसेप्टर कई बार डीएनए में प्रेजेंट होता हो है डिपेंड करता है हार्मोन कौन सा है तो अपन ने सिर्फ इतना पूछा है कि इंट्रा रिसेप्टर से कौन जुड़ेगा या तो स्ट्यूरोड होगा या हाइडोथायरोन होगा तो प्रोजेस्टेरोन बाइंड कर सकता है स्टेरॉइड है पेप्टाइड है एफएसएच ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन ये एंटर कर जाएगा ये एंटर नहीं करेगा ये एंटर नहीं करेगा तो एंटर कौन-कौन कर सकता है ए और डी फोर्थ इज द राइट आंसर एफएसएच सेल की कोशिका की सतह पर उपस्थित रिसेप्टर से जुड़कर अपना इफेक्ट शो करता है एनसीईआरटी में दे रखा है एपिनेफ्रीन ये भी सेल के अंदर नहीं जाता सेल की सरफेस पे बाइंड करता है रिसेप्टर्स पे आंसर है फोर्थ नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग हार्मोन नेम नॉर्मल वो विचार कीजिए इंसुलिन ग्लूकागन मेलाटोनिन पैराथॉर्मोन एमएसएस थायरोकैल्सिटोनिन इनमें से कौन सा विरोधी हार्मोन का सही मिलान विरोधी हार्मोन का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस काम करते हैं अब जैसे अगर अपन इनको थ्योरेटिकली लिखे तो इंसुलिन जो है इसका एंटागोनिस्टिक है ये ग्लूकागोन यानी कि ए का तो हो गया ये बी ठीक है मेलाटोनिन और एक एमएसएच ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है मेलाटोनिन और एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलाटोनिन त्वचा के रंग को कैसा करता है लाइट करता है हल्का करता है एमएसएस त्वचा के रंग को गहरा कर देता है ये गुण ये लक्षण पाया जाता है खासतौर से जो एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर होता है तो मेलाटोनिन हो गया सी और ये एमएसएच हो गया ई e. ठीक है इसी तरह से ये जो पैराथार्मोन है और इसका काम होता है प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा देना हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कहलाता है पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन उसका बिल्कुल उल्टा होता है ये प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल्स को कम कर देता है और कैल्शियम के जो बोन्स पे डिपोजिशन को प्रमोट करता है अस्थियों पे लवणों के जमाव को प्रेरित करता है कैल्सिटोनिन तो ये अपोजिट हो गया कैल्सिटोनिन तो यहां पे पैराथार्मोन डी और थायरोलसीटोनिन एफ तो ए का हो गया बी सी का हो गया ई e, और डी का हो गया एफ आंसर है फोर्थ आपको ये मिलान कराना था इंसुलिन ग्लूकागोन मिलेटोनिन एडीएफ ए बी सी डी एफ आंसर है फोर्थ ओके नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट निम्न में से विषम को छाटिए अब विषम अपन कैसे छाटेंगे ये स्ट्रक्चर्स के नाम है अपने को पता है कि मान लीजिए अगर ये एक ग्लैंड है एडिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये हिस्सा है मेडुला अब ये कॉर्टेक्स है इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा फिर आ जाता है जोना फेसिकुलेटा कहा जाता है अंदर ही अंदर होता है जोना रेटिकुलरिस तो जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फेसिकुलेटा जोना रेटिकुलरिस एडिनल ग्लैंड के पार्ट है एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के हिस्से हैं लेकिन जोना पेल्यूसिडा ये एक पॉलीसेकेराइड का लेयर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है जो ओवरी से होम रिलीज होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है जोना पेलिस्टिडा तो ये ऑर्ड ये हो गया जोना पेलिस्टिडा जोना फेसिकुलेटा जोना रेटिकुलरिस जोना ग्लोमेरुलसा ये तीनों किसके पार्ट हैं ये एडिनल के पार्ट हैं ये पार्ट नहीं है तो आंसर है इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्टी में आंसर है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा का काम नहीं है तो हाइपोथैलेमस तंत्री के कार्यो को नियंत्रित करता है अपन ब्रेन में पढ़ चुके हैं इस चीज को बड़ी डिटेल में शरीर का तापमान नियंत्रण है भूख और प्यास का नियंत्रण है बहुत सारे काम कर रहा है जो कि नर्वस कंट्रोल की कैटेगरी में आते हैं दूसरा है इट सीक्रीट रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन्स ये ऐसे हार्मोन्स रावित करता है जो एडिनो हाइपोफाइसिस पे काम करते हैं या तो एडिनो के हार्मोन्स के श्रावण को प्रेरित कर देते हैं या उसको इनिबिट कर देते हैं संदमित कर देते हैं बिल्कुल सही है अपन ने पूछा नॉट ए फंक्शन ये भी फंक्शन है तंत्री की कार्यों का नियंत्रण कर रहा है रिलीजिंग और इनिबेटिंग श्रावी और मंदक हार्मोन उनका भी श्रावण कर रहा है स्टोर्स द हार्मोन्स ऑफ पि, पोस्टर पिट्यूटरी उसका पश्च पिट्यूटरी के हार्मोन का संग्रहण नहीं करता है ये स्टोरिंग का काम स्टोरेज का काम नहीं है ये सिर्फ बना के न्यूरोहाइपोफाइसिस तक पहुंचा देता है फोर्थ है रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एडिनोहाइपोफाइसिस के श्रावण का नियमन करता है बिल्कुल करता है कार्य नहीं है ये संग्रहण का कार्य नहीं करता तो आंसर है इसके अंदर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्रंथ हाइपोफाइसिस का कौन सा भाग किसी भी हार्मोन का श्रावण नहीं करता तो पार्स डिस्टेलिस यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस करता है एडिनो हाइपोफाइसिस को ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं पार्स नर्वोसा यहां पर संश्लेषण नहीं होता पार्स इंटरमीडिया ये एनसीआरटी में लिख रखा है एमएसएच बना के देता है पार्स नर्वोसा में संश्लेषण नहीं होता यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स बनते हैं वो एक्सॉन्स के थ्रू आ जाते हैं जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि यहां पे ये जो एक्सॉन्स हैं ये मुक्त कर देते हैं हार्मोन्स को ये है पार्स नर्वोसा या इसी का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस ठीक है तो हाइपोफाइसिस यहां पे डज नॉट सिंथेसाइज संश्लेषण नहीं करता तो पार्स नर्वोसा में संश्लेषण नहीं होता हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन के आते हैं और न्यूरो पार्स नर्वोसा से रिलीज कर देते हैं आंसर है थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यदि एक व्यक्ति बैरापन गूंगापन असामान्य त्वचा और मानसिक दुर्बलता से युक्त है तो इसका कारण हो सकता है तो ये बेसिकली हाइपोथर के लक्षण है किसके लक्षण है हाइपो थायराइडिज्म के लक्षण हैं एक मिनट एक क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यदि एक व्यक्ति बैरापन गुंगापन असामान्य त्वचा तथा मानसिक दुर्बलता से युक्त इसका कारण हो सकता है तो मैंने आपसे कहा कि अपने को सारी ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं, उनको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि मान लीजिए एक कंडीशन है हाइपो थायराइडिज्म अब इसमें अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथर होता है तो बच्चा जो डेवलप करेगा पहली बात तो हो सकता है उसका पूरा डेवलपमेंट होता ही नहीं है क्योंकि थायरोक्सिन की कमी से या आयोडीन की कमी से ये डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है तो बच्चा जो पैदा होता है वो कहलाता है क्रिटिन और ये बीमारी कहलाती है क्रिटिनिज्म ये जो सिम्टम्स है ना डीप गूंगापन स्किन का खराब होना और मानसिक विकास अवरुद्ध होना तो हाइपर थायराइडिज्म में ऐसा कभी नहीं होगा बिल्कुल आपको एलिमिनेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पे एक एक ऑप्शन को आप काटते जाइए हाइपो पैराथायराइडिज्म में ऐसा नहीं होगा पैराथायराइड का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है हाइपर पैराथायराइडिज्म उसमें भी नहीं होगा ये तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है पैराथायराइड तो पढ़ चुके हो आप हाइपर थायराइडिज्म में ऐसा नहीं होता ऐसा मान्य त्वचा तो और बैरागूंगापन लेकिन हाँ हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है कब एक इन्फेंट में या प्रेगनेंसी तो ये जो न्यू है नवजात है ये क्रिटिन होगा और मान लीजिए इस नवजात के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी ये सिम्टम्स आ जाएंगे अगर एक नवजात है दो कंडीशन है एक तो एक प्रेगनेंसी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म था तो क्रिटिन का जन्म हो गया दूसरी कंडीशन है कि बच्चे के जन्म के समय वो भी हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है तो भी ये सिम्टम्स आ जाएंगे ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली बड़ा सरल सा क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन्स की कमी से ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है तो बच्चा जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों से पीड़ित होता है और ये सारे जो लक्षण है ये हाइपोथायराइडिज्म के हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इन्फेंट के अंदर ऐसा होने से त्वचा तो उसकी खराब हो जाएगी मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा ये सारे लक्षण उसी से तो यहां पर आंसर है फोर्थ थर्टी एट कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन निम्न कार्यों पर विचार कीजिए ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स चेहरे पे दाढ़ी मुछों का विकास ये एंड्रोजन का फंक्शन है एग्रेसिवनेस आक्रामकता यह भी एंड्रोजन का कार्य है टेस्टोस्टेरोन फिर है, हाई पिच वॉइस बारीक आवाज है उच्च आवृत्ति की ध्वनि बारीक आवाज जनन यह एंड्रोजन का फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस. कैटाबॉलिक एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन उपापचय. पर अपचयनात्मक प्रभाव ठीक है तो यह पूछा है आर बाई निम्न में से उपरोक्त में से कौन से कार्य एंट्रोजन्स के द्वारा प्रेरित नहीं किए जाते तो भैया ये तो प्रेरित होता है चेहरे पर दाढ़ी मुछो का विकास आक्रामकता एग्रेसिवनेस ये भी प्रेरित होती है हाई पिजड वॉइस ये प्रेरित नहीं होती लो पिचड प्रेरित होती है एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं कैटाबॉलिक एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे जो प्रभाव है वो कैसा है कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक का मतलब होता है उसको तोड़ने वाला तो ये एनाबॉलिक प्रभाव होता है इसका कैसा होता है एनाबॉलिक प्रभाव होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कैटाबॉलिक नहीं होता तो नहीं स्टिमुलेट है तो सी और ई e स्टिमुलेट नहीं हो रहा e, नहीं हो, रहे है। हो रहा ए है। है तो आंसर है सेकंड सी एंड ई क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी स्थिति पीटीएस श्रावण को प्रेरित कर सकती है पैराथार्मोन के श्रावण को प्रेरित कर सकती है तो पैराथार्मोन पी एच, जो होता है यह कब श्रावित होता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स के कम होने पर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स का कम होना ये कहलाता है हाइपो कैलसीमिया हाइपो प्लाज्मा में कैल्शियम के स्तर कम हो जाएंगे तो पीटीएस श्रावण वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है शुगर से रिलेटेड नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया तो पीटीएच की वजह से होता है हाइपरकैल्सीमिया तो पीटीएच की वजह से होता है अपने को पूछा गया है पीटीएच का सिक्रीशन कब होगा तो पीटीएच का सिक्रीशन अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो डिपेंड करता है प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल्स पे तो प्लाज्मा में कैल्शियम अवेलेबल है तो पीटीएस का रोल खत्म हो जाता है अगर प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल कम हो गए तो पीटीएस का सेcretion बढ़ जाएगा तो कम हो गए तो हाइपोकैल्सीम कंडीशन है तो आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें पूछा गया है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विद सेल सरफेस रिसेप्टर्स ऐसे हार्मोन्स जो कि सेल के अंदर नहीं जाते सिर्फ सेल की मेंब्रेन पे प्रेजेंट जो उनके रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करके वो अपना इंफ्लुएंस शो करते हैं तो वो कौन कौन से हैं तो देखो अपने को ये पता है कि दो तरह के हार्मोन्स हैं जो कि सेल के अंदर एंटर करते हैं एक तो होते हैं कौन से स्टीरोइड्स एक होते हैं आयोडोथायरोनिन और आयोडो थार अब ये स्टीरोइड ये आयोडोथायरोनिन है ये कर जाता है ये नहीं करेगा इंसुलिन सरफेस पे जोड़ता है ये भी सरफेस पे जोड़ता है अपन ने पूछा सेल सरफेस रिसेप्टर्स, सेल सरफेस रिसेप्टर तो इंसुलिन के भी हैं एफ के भी हैं कॉर्टिस अंदर जाएगा टी ये सेल के अंदर जाएगा टी ये सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं लेकिन ये अंदर चला जाएगा ठीक है सेल सरफेस रिसेप्टर्स एडिनालिन के हैं थायरोक्सिन के नहीं तो यहाँ पर ग्रुप आ रहा है कौन सा इंसुलिन और एफएसएच कॉर्टिसोल सेल के अंदर जाता है टी थ्री सेल के अंदर जाता है टीएसएच सेल की सरफेस पे पेप्टाइड है एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड है एड्रेनालिन तो पेप्टाइड है ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है थायरोक्सिन ये आयोडीओथायरोनिन है ये एड्रेनालिन सेल की सरफेस पे थायरोक्सिन सेल के अंदर अपन ने पूछा सेल की सतह सरफेस ये अंदर जाता है इंसुलिन और एफएसएच, ये दोनों कैसे हैं? सेल की सरफेस पे काम करने वाले हॉर्मोन्स हैं। सेकेंड आंसर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर और ए सेकेंड मैसेंजर तो यहां पर देखिए हॉर्मोन फर्स्ट मैसेंजर है और जिस सब्सटेंस के रिलीज को वो सेल के अंदर स्टिमुलेट करता है और वो जो सब्सटेंस है वो दूसरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो कहलाता है सेकंड मैसेंजर ऐसे सेकंड मैसेंजर्स जो होते हैं वो होते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कैल्शियम आयंस इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ये सारे जो सब्सटेंसेज हैं सेकेंड मैसेंजर है ये भी सेकेंड मैसेंजर है यह भी सेकेंड मैसेंजर है आईपी थ्री ट्राइफॉस्फेट ये भी सेकेंड मैसेंजर है प्रोटीन सी नहीं है ये एक ऐसा प्रोटीन ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं अपन जो कि क्या कर रहे हैं फॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करता है इट प्रमोट फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जो फॉस्फेट ग्रुप है ना इसको ऐड करवा देता है वो तो एंजाइम जैसे ही ऐड होता है तो एंजाइम तो काम कर देते हैं यहाँ पर प्रोटीन का सी सेकेंड मैसेंजर नहीं है ये एक इस तरह का सब्सटेंस है जो कि क्या काम कर रहा है फॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करता है ठीक है ये सेकेंड मैसेंजर ही कैटेगरी में आता है साइक्लिक एम पी साइक् मोनोफॉस्फेट कैल्शियम आयंस मसल कॉन्ट्रेक्शन में आप पढ़ते हो उसको इनोस्टिटोल ट्राइफॉस्फेट आईपी थ्री ये सारे एनसीआरटी में दे रखे हैं प्रोटीन काइनेज सेकेंड मैसेंजर नहीं है आंसर है फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इस क्वेश्चन में पूछा गया है में से कितने कथन हार्मोन से संबंधित है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद हार्मोन्स हार्मोन्स के रिगार्डिंग अगर एक, एक स्टेटमेंट है कि विशिष्ट रसायन जो मानव शरीर में रासायनिक समन्वय एकीकरण और नियमन करवाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन रेगुलेशन ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सही है कराता है जस्ट अ मिनट यह फंक्शन है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गन्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स ठीक है हमारे अंगों अंतस्रावी ग्रंथियां कुछ कोशिकाओं में उपापचय वृद्धि विकास का नियमन करवाते हैं दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर यह स्टेटमेंट गलत है इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स होते हैं आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट अल्प मात्रा में श्रावित होते हैं तो ठीक बात है अल्प मात्रा में श्रावित होते हैं अब पूछा क्या है हाउ रिलेटेड विद हॉर्मोन्स तो पहला रिलेटेड है दूसरा रिलेटेड है तीसरा रिलेटेड है चौथा रिलेटेड सॉरी तीसरा रिलेटेड नहीं है चौथा रिलेटेड है तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये रिलेटेड है पहला दूसरा और चौथा तीसरा रिलेटेड नहीं है अंतराकोशी के संदेशवाक नहीं है अंतरकोशी के संदेशवाक है इंटरसेलुलर रिसेप्टर इंटरसेल्युलर मैसेजर सॉरी तो आंसर है फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट असत्य कथन को अपने को सेलेक्ट करना है पहला स्टेटमेंट है सेक्स हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं बेटा वो स्टीरोड्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स कैसे होते हैं वो स्टीरोड्स होते हैं प्रोटीन नहीं होते एलएच एंड आईसीएचएस आर द सेम हार्मोन

इज एन हार्मोन। हारमोनसिन का ही दूसरा नाम है प्रतिमूत्रल हार्मोन है ये बात भी ठीक है तो बात गलत कौन सी निकली इसके अंदर से ये प्रोटीन नहीं होते बेटा ये कैसे होते हैं दे आर कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये पहला स्टेटमेंट यह गलत है तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से स्तनधारियों के कौन से अंग में मेड्यूलरी क्षेत्र वलकुट क्षेत्र से घिरा हुआ नहीं होता इसको आप एनाटॉमिकल बेसिस पे कंसीडर कर सकते हो कि साहब ये बाहर का हिस्सा है ये कॉर्टेक्स है अंदर का हिस्सा है ये मेड्यूला है किसी भी ऑर्गन के लिए दो पार्ट्स इस तरह से अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं अब ओवरी में बिल्कुल होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला किडनी के अंदर होता है कॉर्टेक्स मेड्यूला एड्रिनल के अंदर भी होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला लेकिन लिवर के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको अपन बोल सके कि ये पार्ट कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है लिवर तो सिर्फ छोटी छोटी हिपेटिक लोब्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है तो लिवर में इस तरह का कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट नहीं होता तो आंसर हो गया इस पे फोर्थ यकृत इसमें कॉर्टेक्स मेडुला नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अब इस एक ये लाइन डायग्राम टाइप का है इन द गिवन फिगर व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एक्स तो हाइपोथैलेमस इससे रिलीजिंग सिक्रीट हो रहे हैं इसी से इनिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और ये एक पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, एक हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा ये उसी हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करेगा तो नेचुरल है, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख लो आप ये बेसिकली एडिनो हाइपोफाइसिस है ये कौन सी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली पाली एंटीरियर पिट्यूटरी है एडिनो हाइपोफाइसिस इससे फिर हार्मोन का सिक्रीशन या जो भी है वो होता है तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है पैराथायराइड पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा थाइमस पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा थायराइड पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा ये काम किस पे हो रहा है बेटा ये हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस पे तो आंसर है इसके अंदर वन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हार्मोन्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी निम्न आरेख में ए बी सी हार्मोन को पहचानिए अब हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होगा वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा अब देखो यहाँ पे आपको आंसर सेलेक्ट करना है ना तो बड़ा सिंपल है आप इस पे फोकस करिए गोनेट्स पे गोनेट्स सॉरी हाँ मैंने आपसे कहा कि गोनेट्स, गोनेट्स से दो हार्मोन ये मेल में तो टेस्टोस्ट्रॉन फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन गेमिट्स बना रहे हैं गोनेट्स तो नेचुरल है कि यहाँ पे जो ए है वो तो हो जाएगा जीएनआरएच और बी और सी हो जाएगा यहाँ पे एफ एस एच और एल एच आंसर है थ्री अब आप एक बार इसको देख लो ये कहलाता है एक्सिस हाइपोथ हाइपोफाइसियल एक्सिस हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ कौन सा हारमोन जीएनआरएच गोने रिलीजिंग हार्मोन इसने एक्ट किया किस पे पिट्यूटरी पे एडिनो हाइपोफाइसिस से यहां से रिलीज हुए गोनेडोट्रोपिन दो होते हैं एफ एस एच और एल एच एफ एस एच ने गेमिट्स के प्रोडक्शन में और एल ने जो जिसको अपन कहते हैं ना आईसीएसएच इसके प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है तो आंसर है यहाँ पे वन एस सॉरी थ्री जी एन आर एच एफ एस एच एंड एल एच यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा एक जी एच आर एच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है जीएच जैसे ही लिख दिया ग्रोथ हार्मोन है जीएच का मतलब ठीक है पीएलटी का मतलब होता है प्रोलैक्टिन तो इसका जो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, थर्ड है जीएनआरएच ए बी है, है एल एच ओके नेक्स्ट है इंसुलिन की एक अधिक मात्रा अंतराशीरी रूप से दिए जाने पर एक व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हो जाती है बड़ा अच्छा सवाल है थोड़ा सा आपको इसके अंदर इंसुलिन का फंक्शन याद होना चाहिए इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है इंसुलिन कैसा है ब्लड ग्लूकोज स्तर को कम कर देता है जब ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम कर देगा तो हार्मोन कैसा कहलाएगा हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है अधिक मात्रा दे दी इंजेक्शन डायबिटीज के मरीज में इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है इलाज के लिए अब मान लीजिए इंसुलिन दे दिया तो इंसुलिन तो अपना काम करेगा और इंसान को खाना नहीं दिया समझना बात आपको इंसुलिन तो दे दिया लेकिन क्या नहीं दिया खाना नहीं दिया तो खाना नहीं दिया तो क्या होगा तो ब्लड में जो शुगर है वो सारी ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवा देगा तो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर एकदम से कम हो जाएंगे क्यों क्योंकि इसकी नेचर यही है आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया से आदमी सीधा चक्कर खा के गिर जाएगा बेहोश हो जाएगा फेंट हो जाएगा और अगर, अगर अपन ने तुरंत उसको ग्लूकोज नहीं दिया तो डेथ भी हो सकती है ये और इसके अंदर क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज हमेशा उपस्थित होने चाहिए और अपन ने क्या किया इंसुलिन दे दिया इंसुलिन देते ही हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा आपको तो सिर्फ ये याद रखनी है एनसीईआरटी टी की पॉइंट की हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है साहब ये तो तो हिस्टामिन का प्रोडक्शन कोई रिलेशनशिप नहीं है कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग का संदमन है ना कोशिकाओं में तो ग्लूकोज चला गया ब्लड में कम हो गया वो तो उल्टा काम है हाइपरग्लाइसेमिया ये करता नहीं है तो हाइपोग्लाइसे के कारण ये इमरजेंसी हो जाती है फिर ये तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाना पड़ता है इमीडिएटली ग्लूकोज चढ़ता है तब जाके वो रिकवर हो पाता है अगर अपन ने एक व्यक्ति को दोबारा से सुन लो खाली पेट अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया खाना नहीं दिया तो क्या होगा बेहोश होकर इंसान गिर सकता है क्यों क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज के स्तर कम हो जाएंगे इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है ये याद रखनी है इसी को अप्लाई कर दो आप आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट फोर्टी एट विच हॉर ओवर हॉर्मोन इज ए पेप्टाइड देखो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं इस्ट्रोजन वो भी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है स्टीरोड है प्रोजेस्ट्रॉन वो भी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है स्टीरोड हार्मोन होता है ठीक है एफएसएच ओवरी से रिलीज नहीं होता एफ तो पिट्यूट्री ग्लैंड का हार्मोन है तो बस था एक ही यहाँ पे रिलैक्सिन रिलैक्सिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ओवरी से रिलीज होता है जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो प्यूबिक सिंफाइसिस को डायलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है तो आंसर इसके अंदर सेकेंड नेक्स्ट टेट्रा आयोडो प्रदर्शित करता है टेट्रा का मतलब है टी फोर टी फोर से है सीधा सीधा इट इज टी फोर ना? टेट्रा आयोडो

वन है आंसर इसका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रतिशोध प्रतिक्रिया प्रभाव दर्शाता है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन ये होता है बेटा किसका ग्लूको क्वार्टी का काटिस जब इमरजेंसी है कोई एक्सीडेंट हो गया चोट लग गई सांप काट खाया एनाफेलेक्टिक शॉक हो गया कोई भी इमरजेंसी है तो एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट की वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के डेरिवेटिव्स को दवाओं की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी मेडिसिन याट्रोंग होते हैं मरते में जान डाल दे एक बार तो इस तरह के होते हैं तो सेक्स कॉर्टिकॉइड ऐसा नहीं कर सकते

नेक्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोफिन तो ये एस जो है ये किससे रिलीज हो रहा है कोरियोनिक विलइस ये आगे जाके ये बना देती हैं प्लेसेंटा ठीक है एमनियोन नहीं बनाती एलंटॉइस नहीं बनाती कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनाता एस का प्रोडक्शन कौन कर रहा है विलाई है। आंसर फिफ्टी टू द करेक्ट सेट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाई सिंगल एंडोक्राइन एक ही अंत ग्रंथि द्वारा श्रावित हार्मोन का सही ग्रुप कौन सा है अब एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड से बड़ा इजी सा सवाल है अगर आपको ग्रंथियां और उसके हार्मोन्स पता है तो रिलीज होता है होता है एसीटीएच पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से वासोप्रेसिन पिट्यूटरी से टीएसएस पिट्यूटरी से ये पिट्यूटरी के हॉर्मोन्सट्रीन आरनाल से एन एफ हार्ट की वॉल से सिक्रेटिन आरनाल से एपिनेफ्रीन एडिनल कॉर्टिसोल एडिनल आईसीएसएच आईसीएसएस मतलब एलएच ध्यान रख लेना आप सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से एपिनेफ्रीन किससे आ रहा है एडिनल से कॉर्टिसोल एडिनल से आईसीएसएच पिट्यूटरी से तो ये सोर्स के अलग अलग हो गए यहाँ पे एक ही सोर्स जो है वो है कौन सा हार्मोन ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन और टीएसएच पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं आंसर है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन 53 निम्न में से कौन सा कथन पीनियल ग्रंथि की स्थिति के लिए सही है अब ये पीनियल जो होती है ये आप सबको पता है ब्रेन में होती है जैसे ये, ये कॉर्पस कैलोसम हो। तो ये इसके नीचे होती है ग्लैंड इस जगह पर अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि लोकेशन कहां है इसकी अंडर कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम नीचे प्रेमस्थिस गोलार्ध के बीच में सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में अब कॉर्पस कैलोसम नहीं है अंडर कॉर्पस एंड इन बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर नीचे तो है लेकिन अनुमस्तिष्क के नीचे नहीं है ये गलत है लेटरल टू सेरिबेलर सेरिबेलर हेमिस्फीयर का तो कोई लेना देना है नहीं है इसमें तो यहां पर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है अब ये अंडर कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम के तो नीचे है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है दो गोलार्धों के बीच में स्थित है तो आंसर है वन कॉर्पस कैलोसम के नीचे तथा गोलार्ध के मध्य में इन ह्यूमंस मनुष्य में पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग मिले हुए रहते हैं मर्ज रहते हैं अब जैसे मान लो स्ट्रक्चर आपको पूरा पता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ठीक है अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है अब इसमें ये वाला पार्ट है जो कहलाता है पार्स इंटरमीडिया और ये है पार्स डिस्टेलिस दोनों पार्ट मर्ज हो जाते हैं मिल जाते हैं और मर्ज के क्या कहलाते हैं एडीनो हाइपोफाइसिस पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस अब इसमें ऑप्शन है पार्स इंटरमीडिया पार्स ट्यूबूरलिस पार्स, ट्युण। पार्स ट्युण। ये वाला पार्ट होता है ठीक है तो ये पार्स नर्वोसा है पीछे वाला हिस्सा तो ये दोनों पार्ट ये मर्ज हैं कौन कौन से पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिश तो आंसर है थ्री एडिनो एफिस कहलाते हैं दोनों कलेक्टिवली 54 में आंसर है थ्री 54 में आंसर है थ्री नेक्स्ट है 55 फाइव पथ द्वारा किस हार्मोन का स्रावण नहीं किया जाता तो इरिथ्रोपाइटिन है ये आप सबको पता है किडनी से बनता है बाकी गेस्ट्रिन ये भी ड्यूडेनम से बन रहा है है ना सॉरी से स्टमक की जी सेल से कॉलेसेस्टोकाइन ड्यूडेनम से गेस्ट्रिक इनिविट्री पेप्टाइड है ये ड्यूडेनम से बन रहा है इरिथ्रोपाइटिन ये किडनी से बनता है तो आंसर है सेकेंड इरिथ्रोपाइटिन सेकेंड आंसर है इसके अंदर नहीं किया जाता तो नहीं किया जाता किसका इरिथ्रोपाइटिन इरिथ्रोपाइटिन कहां से बन रहा है किडनी से नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का हार्मोन स्टीरोइड नहीं होते आयोडोथायरोनिन नहीं होते अमीनो एसिड के डेरिवेटिव नहीं होते तो बचता क्या है बचता है पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं क्या होते, है? पेप्टाइड होते हैं पेप्टाइड्स एंड हारमोन्स जैसे एफ एस एच एल एच ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बाकी जो हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं है ना हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जैसे कि जी एन आर एच हो गया ये सारे ये कैसे होते हैं पेप्टाइड्स होते हैं तो या तो होंगे ये पेप्टाइड, या कैसे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स इधर दे आर इड्स और दे आर ग्लाइको प्रोटीन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव नहीं है आइड्रोथरो नहीं है स्टीरोइड नहीं है आंसर है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टू सिस्टम्स दैट कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दो तंत्र संयुक्त रूप से शरीर की कार्य की क्रियाओं का समन्वय तथा नियमन करते हैं एंडोक्राइन तो सिस्टम और न्यूरल सिस्टम से सीधा लिया हुआ सवाल है यहां पे आपको एक का सीधा आंसर है तंत्रिका तंत्र और अंत तंत्र मिलकर काम करते हैं और ये किस काम में मदद करते हैं होमियो

हॉरमोन्स जो कि अंतर श्राविक ग्रंथि से श्रावित तो हो रहे हैं और न्यूरो जो कि तंत्रिका तंत्र से निर्मित होते हैं तो आंसर है फोर्थ। 58 निम्न में से कौन सा हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष तंत्रिकीय नियमन में होता है तो हाइपोथैलेमस सीधा किसको कंट्रोल कर रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस को अपन कितनी बार बना चुके इस डायग्राम को और एनसीआरटी में भी दे रखा है ये कि ये काम कैसे हो रहा है या अगर मान लीजिए ये पिट्यूट्री है ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है तो ये यहाँ पे जो सेल बॉडीज़ हैं उनके एक्सॉन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स ला के रिलीज करते हैं इस जगह से पूरी तरह से ये कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस इससे कंट्रोल है एक हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है एंटीरियर पिट्यूट्री नहीं है मिडिल पिट्यूटरी नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस कंट्रोल है हाइपोथैलेमस सीधा आंसर है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर निम्न में से कौन सा हार्मोन युग्म एक दूसरे के प्रतिरोधी नहीं है मीन्स एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते अब जैसे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन इंसुलिन कैसा है हाइपोग्लाइसेमिक है ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक है ब्लड शुगर को बढ़ा देता है एंटागोनिस्टिक तो हो गए है. दोनों एक दूसरे के एल्डोस्टेरोन बॉडी में सॉल्ट और वाटर के रि को प्रमोट करता है एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर जो हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होता है वो इसका अपोजिट काम करता है मीन बॉडी से सॉल्ट और वाटर के एलिमिनेशन को प्रमोट करता है तो ये भी एलिमिनेशन का काम अपोजिट हो गया इसके फोर्थ ऑप्शन है पैराथार्मोन पैराथार्मोन प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने का काम करता है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है जबकि कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको ले जाके बोन पे डिपॉजिट करता है तो हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन है तो ये भी एंटागोनिस्टिक हो गया लेकिन रिलैक्सिन और इनिबिन ये एंटागोनिस्टिक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि रिलैक्सिन जो है वो एट द टाइम ऑफ पार्सोरेशन ओवर ओवरी से रिलीज होता है और प्यूबिक सिंफाइसिस को डायलेट कर देता है जिससे पार्चुरेशन इजी हो जाता है का जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है कि ये FSH के लेवल्स को कंट्रोल में करना तो ये एंटागोनिस्टिक नहीं है तो इसके अंदर जो एंटागोनिस्टिक नहीं है वो है रिलैक्सिंग एंड इनिविन तो आंसर क्या हो गया वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है

और ब्लड वेसल्स दोनों का एक सिंक्रोनाइज वे में काम करना अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट होना जिम्मेदारी होती की। है न? और किडनी फंक्शन करता है शुगर लेवल कंट्रोल करके एंटीफमेंट बहुत सारे फंक्शन है आपके डिटेल में लिख रखा है तो ये आंसर है इसके अंदर टू क्योंकि इरिथ्रोपाइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा थायरोक्सिन जो है बी को कंट्रोल करेगा नॉर इमरजेंसी के अंदर जो है वो एक एक्साइटेटरी इफेक्ट जो शो करता है एड्रीन के साथ मिलकर तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड दैट इज कॉर्टिस्ल ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर दिस टेस्ट आई होप यू ऑल मस्ट है रिगार्डिंग द एंडोक्राइन सिस्टम इन दिस टेस्ट और आप अच्छे से अगर इसको देखें एनालाइज करें पेपर को तो इसमें सब तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड रखा गया है किया गया है जैसे कि कुछ एक बहुत इजी क्वेश्चन भी हैं कुछ एक एवरेज क्वेश्चन है कुछ के अंदर आपको यू हैव टू स्पेंड योर स्किल्स एंड टाइम इन इट तो ऐसा करके ओवरऑल आपके जो अप्रोच है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प करने की उसके लिए एक अच्छा एक रिसोर्स की तरह इस पेपर को आप काम में ले सकते हैं This is session. Uh, Thank you very much.